नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन फानी के बारे में। इसकी वैसे दो प्रोनंसिएशन है, फानी भी कहते हैं क्योंकि प्राइमरली ये नाम आया है बांग्लादेश से, मगर इस साइक्लोन ने हमारे देश के ईस्टर्न पार्ट को ब्रूटली हिट किया है। कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर आई है। सो डिस्कस करेंगे कि ये साइक्लोन इतना स्पेशल क्यों है, अब तक कितना डैमेज हुआ है और ये साइक्लोन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगेन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो 2019 के मई महीने की शुरुआत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, स्पेशली ओडिशा के लिए। ओडिशा को हिट किया है ट्रॉपिकल साइक्लोन फैनी ने और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है। जो विंड्स हैं यहाँ पर, दे आर अप टू 200 किलोमीटर पर आर इन स्पीड। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साइक्लोन है। पिछले 20 साल में आप अगर देखो, दो दशकों में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन इंडिया को हिट नहीं किया है। और इंटरनेशनल मीडिया, चाहे BBC, CNN, दुनिया भर में इस साइक्लोन को बहुत ज़्यादा कवरेज मिल रही है क्योंकि इट इज़ वेरी इंटेंस। और जिस तरीके से इसने अपना कोर्स बदला है उसको लेकर भी बहुत सारे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स काफ़ी हद तक सरप्राइज्ड हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है धरती और यहाँ पर ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ प्राइमरली आप जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप नोटिस करोगे, मैंने मार्क कर रखा है साइक्लोन फैनी को आपके लिए। ये यहाँ पर है ओडिशा और यहाँ पर आपको दिखेगा पुरी, एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। और इसके पास में है कोणार्क। कोणार्क में ऑफकोर्स आपको वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल भी मिलेगा। तो क्या है कि ये साइक्लोन फॉर्म हुआ था इक्वेटर के पास, ठीक है। इक्वेटर आपको पता है इमेजिनरी लाइन है, धरती के बीच में गुजरती है। तो इक्वेटर में इस एरिया के आसपास ये साइक्लोन फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद ये साइक्लोन तमिलनाडु की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स थे यहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ ये तमिलनाडु को हिट करेगा, मगर अचानक से इसने मॉइस्चर गेन करना स्टार्ट कर दिया, विंड्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, इसका मोमेंटम पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और उसके बाद ये साइक्लोन सीधा नॉर्थ की तरफ चला गया। इसने तमिलनाडु को हिट नहीं किया, फिर इसने सीधा हिट किया है ओडिशा को। और ओडिशा में प्राइमरली एक शहर है पुरी, यहाँ पर कमाल की डेवस्टेशन हुई है। पुरी आप देखेंगे चिलिका लेक के काफ़ी ज़रा करीब है, तो पुरी में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, लाखों लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। और अभी के लिए जो ये साइक्लोन है इसका जो ट्रेजेक्ट्री है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से जाकर और नॉर्थ जाएगा और कुछ टाइम बाद ऑफकोर्स इसकी स्पीड काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये जो इतनी तबाही अभी मचा रहा है उतनी मचा नहीं पाएगा, मगर इन दी एंड ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑफकोर्स वहाँ तक सिर्फ विंड्स पहुँचेगी, स्टॉर्म पहुँचेगा, ओवरऑल साइक्लोन तब तक काफ़ी हद तक वीक हो चुका होगा। नाउ इस साइक्लोन को इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये कैटेगरी 4 का स्टॉर्म है। देखिए यहाँ पर आपको स्केल दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक साइक्लोन को कैटेगरी मिलती है। यहाँ पर जो नीचे के जो पॉइंट है, यहाँ पे हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, फिर सबसे आप कह सकते हैं माइल्ड हम मानते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म को। इसकी जो स्पीड होती है अराउंड 63 से लेकर 88 किलोमीटर पर आर के आसपास होती है। उसके ऊपर होता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वहाँ पर स्पीड 98 से लेकर 117 किलोमीटर पर आर के बीच की होती है। फिर उसके बाद होता है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर कैटेगरी 4 में आपको दिखेगा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसकी स्पीड 166 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर्स पर आर तक हो सकती है। उसके बाद जो अल्टीमेट कैटेगरी बताई गई है वो है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की। अगर आपको किसी स्टॉर्म को ये कैटेगरी में लाना है तो उस स्टॉर्म की स्पीड 221 किलोमीटर पर आर से भी ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ इस साइक्लोन का नाम फैनी या फिर फोनी कैसे पड़ा, कहाँ से आया है? देखिए क्या है कि 8 कंट्रीज़ ने आपस में एक एग्रीमेंट कर रखा है। वो क्या करते हैं कि इस रीजन में इंडियन ओशन के आसपास जो भी साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं उसका नाम रोटेशन बेसिस पे वो रखते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये बेसिकली बस डेटा बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन 8 कंट्रीज़ के नाम, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। तो क्या है कि एक रोटेशन बेसिस के हिसाब से जो भी साइक्लोन इस रीजन में हर साल बनते हैं या फिर आने वाले टाइम में बनने वाले हैं तो उनके नाम ये लोग पहले ही रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल
बांग्लादेश इससे पहले कुछ नाम रख चुका है, फॉर एग्जांपल ये हेलेन रख चुका है, चापाला ओखी रख चुका है, लेटेस्ट जो उन्होंने नाम रखा है ये है फैनी। ये बस कोइंसिडेंस है कि इस साइक्लोन का नाम बांग्लादेश की तरफ से आया। उसके अलावा इंडिया ने भी बहुत सारे नाम रखे हैं, फॉर एग्जांपल लहर, मेघ, सागर, वायु। पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली बहुत ही फेमस एक साइक्लोन का नाम रखा गया था, तितली। इनमें से कई साइक्लोन्स किसी कंट्री को हिट नहीं करते, वो बस इमर्ज होते हैं अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में और वहीं पर कुछ टाइम बाद वीक होकर गायब हो जाते हैं। तो आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता दूं कि जो ये नाम है फैनी, इसको बांग्लादेश में प्रोनाउंस करते हैं फोनी और इसका मीनिंग होता है सांप का हुड, सांप का जो फन होता है ना आपने देखा होगा, तो उसी के नाम से इस साइक्लोन का नाम भी रखा गया है। नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि रिसेंटली रीजन में कौन कौन से साइक्लोन्स इमर्ज हुए हैं और कहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रक्शन मचाई है। 2017 में आया था साइक्लोन ओखी, इसका नाम भी बांग्लादेश ने ही रखा था और ओखी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, 250 लोग मर गए थे इसकी वजह से, 600 लोग मिसिंग हो गए थे और प्राइमरली जो डिस्ट्रक्शन थी वो श्रीलंका, तमिलनाडु और केरला के रीजन के आसपास थी। फिर ऑफकोर्स साइक्लोन गाजा और साइक्लोन सागर, इसने तबाही मचाई सोमालिया में। फिर था साइक्लोन मेकुनू, इसने ओमान को स्ट्राइक किया। साइक्लोन लुबान, इसने अरेबियन पेनिनसुला में बहुत सी कंट्रीज़ को अटैक किया, वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन मचाई। फिर था साइक्लोन तितली, इसने प्राइमरली आंध्र प्रदेश में काफ़ी नुकसान किया। फिर उसके अलावा कुछ और भी साइक्लोन से, मगर प्राइमरली ये आपको याद रखनी है। रिसेंटली 2019 में एक और आया था साइक्लोन पाबुक, ये ओरिजिनेट हुआ था इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड, इसने ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं किया था। नाउ साइक्लोन तितली इतना ज़रा खास क्यों है? देखिए जो इसकी टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा यूनिक है और ज़्यादातर दिखता नहीं है कि अप्रैल के महीने में कोई साइक्लोन फॉर्म होना स्टार्ट हो और मई के महीने में इंडिया को हिट करे, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। ठीक है, बिटवीन 1965 और 2017 आप देखो तो इंडिया वॉज हिट बाय 145 साइक्लोन स्टॉर्म्स दैट वर क्लासिफाइड एज सिवियर, वेरी सिवियर या फिर एक्सट्रीमली सिवियर या फिर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इनमें से सिर्फ 7 मतलब के 5% वर इन अप्रैल एंड मे, तो बहुत ही ज़्यादा जो कम संख्या होती है ये अप्रैल और मई में अटैक करती है। ज़्यादातर जो साइक्लोन्स होते हैं वो आप देखोगे कि अक्टूबर और दिसंबर में इमर्ज होते हैं और काफ़ी ये नुकसान पहुंचाते हैं, तो दिस इज़ क्वाइट रेयर एज वेल। अब एक और बात मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिया में जो साइक्लोन्स हिट करते हैं उनके प्राइमरली दो सोर्सेज होते हैं, एक तो होता है बे ऑफ बंगाल, दूसरा होता है अरेबियन सी। ज़्यादातर जो साइक्लोन्स इंडियन ओशन में बनते हैं वो बे ऑफ बंगाल के बेसिन में बनते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखो साइक्लोन को बनने के लिए जो सरफेस टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। इस सरफेस टेम्परेचर पर धीरे धीरे विंड इकट्ठा होती है, एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद एक साइक्लोन बनना स्टार्ट होता है। तो क्या है कि जो अरेबियन सी है वो रिलेटिवली कूलर है, रिलेटिवली ठंडा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर इतने साइक्लोन्स इमर्ज नहीं होते जितने बे ऑफ बंगाल बेसिन में होते हैं। और ज़्यादातर जो ये साइक्लोन्स है हिट करते हैं इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को, और उसमें एक स्टेट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ओवर द ईयर्स और वो है ओडिशा। ओडिशा को काफ़ी बार इस वजह से ये भी कहा जाता है द डिज़ास्टर कैपिटल ऑफ इंडिया। और ओवरऑल आप अगर एशिया में देखो तो साइक्लोन्स बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाते हैं। ये आपके सामने वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है, यहाँ पर लिखा है कि 1970 से लेकर 2012 तक अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा डेथ्स किस डिज़ास्टर की वजह से हुई है एशिया में, तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही बड़ा चंक है स्टॉर्म साइक्लोन्स का। टोटल 7 लाख लोगों की मौत हुई है बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, फ्लड्स टोटल आप कह सकते हैं सिर्फ 1,80,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। मगर यहाँ पे कहना होगा कि ओवर द ईयर्स हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो काफ़ी प्रोएक्टिव हो गई है। हम अपनी नेवी का इस्तेमाल करते हैं, एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, और इस बार जो डेथ टोल है इस साइक्लोन से वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये था एनालिसिस साइक्लोन फैनी का, एंड दिस इज़ ऑल आई हैव टू कवर इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।